नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोक नीति। हमारे रिपोर्टर जो कि बड़वानी में तैनात हैं, हेमंत नगजरिया, उन्होंने एक रिपोर्ट की है जिसको सुनने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत स्तब्ध महसूस कर रहा हूं और शर्मसार महसूस कर रहा हूं कि मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं जहां पर आए दिन लगातार बलात्कार की घटनाएँ सामने आ रही हैं। बलात्कार एक बहुत हीनियस क्राइम है, लेकिन आप सोचिए, कल्पना करिए कि आप उस समाज में रहते हैं जहां पर 3 साल के बच्ची तक को भी नहीं छोड़ा जाता और जो व्यक्ति ऐसा कारनामा करता है उसकी उम्र 50 साल से ऊपर है। आप बताइए कि आपका हिंदुत्व, आपकी राष्ट्रीयता, आपके विचार कहां हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न समाज से है और पुलिस विभाग से है जो कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बड़वानी की रिपोर्ट है, अंजद थाना क्षेत्र है, जहां पर 3 साल के बच्ची से एक 50 साल के युवक ने बलात्कार किया है। ये घटना तब सामने आई जब बच्ची जो है घर गई और उसको दर्द हुआ, उसको पेन हुआ और रोने लग गई और माताजी ने जब उसके कपड़े चेक किए तब उसको पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई है। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया उसके बाद पूरी जानकारी सामने आई, उसके बाद पुलिस ने इसमें FIR दर्ज किया है। मेरी बात हुई है बड़वानी की ASP एडिशनल सुपरिंटेंडेंट पुलिस सुनीता रावत से, आप सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। मैं जानना चाहता हूं मैडम कि इस तरह की घटनाएं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, मध्य प्रदेश का NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग बहुत टॉप पे है, जो निगेटिव खबर है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। इसके लिए पुलिस मॉरलिटी के नाम पे क्या कर रही है, खास करके माइनर्स के लिए गुड टच बैड टच इस तरह का कुछ मुहिम चला रही है पुलिस, या हाथ में हाथ रख के बैठी हुई और इस तरह की घटनाएं होने दे रही है? लगातार हम लोग जो है स्कूलों में और कॉलेजेस में जाते हैं, इवन जब लोग गांव में जाते हैं चौपाल की बैठकें लेते हैं उसमें गुड टच बैड टच का बताते हैं और जितने भी हमारे महिला अधिकारी हैं वो जाकर छोटी छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर मदर फादर को जरूर सतर्क करते हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी बच्चियों को। मैडम सवाल तो वही है ना कि डेटा में तो कमी नहीं आ रही, अगर पुलिस काम कर रही है ग्राउंड पर तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का क्या काम हो रहा है कि उसका रिस्पॉन्स रेट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये समाज में बहुत बड़ी मानसिक बुराई है, जो क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी मदर को भी ये नहीं पता था कि मैं किसी के यहाँ खेलने भेजूंगी मेरी बेटी को और एक 53 साल का व्यक्ति उसके साथ में गलत हरकत करेगा। तो ये बहुत ही मानसिक, हमारे समाज में जो मानसिकता, खराब मानसिकता आ गई है, तो हमें पूरे समाज को एकत्रित होके इस मानसिकता के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहना है पुलिस का, लेकिन प्रश्न बार बार इस समाज पर और इस मध्य प्रदेश के शासन पर उठता है कि सरकार बदली, नई सरकार आई, नई सरकार ने जो इस नाम पे वोट मांगे कि मध्य प्रदेश में बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश टॉपर है, इस तरह से कहकर जब वोट मांगा गया, वोट मांगने वाले की जिम्मेदारी क्या होती है कि जिस आधार पे आप चुन के आए हैं आप चुन के आने के बाद उसी आधार को भूल जाएं, ये प्रश्न किससे पूछा जाए? कमलनाथ सरकार से तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्या क्यों हो रही हैं और पुलिस और सरकार के तौर पर आप किस तरह से इसको देखते हैं और इस मोर्चे पर कैसे काम करते हैं। बड़वानी से हमारे रिपोर्टर हेमंत ने बात की लड़की के पिताजी से। आप इस बाइट को सुने और उस दर्द को महसूस करने का प्रयास करें, क्योंकि इस दर्द को देने में समाज के तौर पे हम भी उतने जिम्मेदार हैं जितना कि ऐसा करने वाला व्यक्ति। मंगलवार दोपहर की घटना है, वो करीब 2:30 बजे के बीच की। वो इसके यहाँ भी कोई नहीं था जो हमारा घर पड़ोसी है, तो एक दिन क्या हुआ कि बच्ची जैसे आई घर तो रोने लग गई, उसको कुछ दर्द हुआ, उसके कपड़े भी कुछ ऐसे लगे उसकी मम्मी ने धो दिए। फिर उसकी मम्मी ने घर पे बताया, मम्मी को बताया मेरी मम्मी को, बाकी मेरे को तो आज बताया। तो फिर वैसे ही मैं बड़वानी गया, बड़वानी में जा 2 मैडमों उनसे जाँच करवाई, बोला कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, आप रिपोर्ट कर दो। फिर हम उसके बाद यहाँ पर आए रिपोर्ट करने। केस करना है ना, आरोपी को सजा हो, मुकेश यादव, उसकी होगी करीबन 55 साल। हाँ, बिजली विभाग में ना, लाइनमैन। आज प्रदेश में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक तक, विधायक से लेकर के ब्लॉक स्तर के पार्टी कार्यकर्ता तक
जो सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता हैं आज झंडारोहण करेंगे और प्रदेश का गुणगान करेंगे, लेकिन ऐसे में प्रश्न ये उठता है, आप कौन से प्रदेश का गुणगान करेंगे? क्या उस प्रदेश का गुणगान करेंगे जहां पर बच्चियों से बलात्कार निरंतर हो रहे हैं और जहां पर 6000 से ऊपर रेप रिकॉर्ड किया गया है, जो कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्टेट है रेप के मामले में, क्या ऐसे प्रदेश का गुणगान करेंगे? आप जिन नुमाइंदों को चुन करके ऊपर भेज रहे हैं, जो आपके बीच अपने प्रोपेगेंडा रूपी शक्ल लेके जा रहे हैं, उनके शक्ल के पीछे के उनके असल चेहरे को पहचानिए और उनसे प्रश्न करना शुरू करिए। आशा करता हूं कि समाज में आप लोग इस सब को लेकर के लोगों को चिताएंगे, बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताएंगे और अपने अपने तौर पे अपने स्तर पे व्यक्तिगत रूप से बच्चों की खास करके माइनर्स की मॉनिटरिंग करेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए और एक तरह की बेवाक पत्रकारिता के लिए द लोक नीति को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और अगले अपडेट का इंतजार करें। धन्यवाद।